रशिया मॉस्को डोमोडेडोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट July 1st, 2002 8:10 PM वास्कोरियन एयरलाइंस का चार्टर्ड विमान उड़ान संख्या BTC-2937 का क्रू उड़ान की तैयारी कर रहा था। वास्कोरियन विमान ने 8:48 PM पर बार्सिलोना के लिए उड़ान भरी। तीन हजार किलोमीटर की यह यात्रा 4 घंटे 30 मिनट की थी। स्विट्जरलैंड ज्यूरिख एरिया कंट्रोल सेंटर 11 PM डेनिश मूल का पीटर नीलसन अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कर रहा था। वह और एक दूसरा कंट्रोलर मिलकर पूर्वी स्विट्जरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी के एक भाग के एयर स्पेस में हवाई ट्रैफिक को मैनेज कर रहे थे। दिन में यह भाग यूरोप के हवाई मार्ग का व्यस्ततम चौराहा होता है, पर रात में ट्रैफिक घटकर काफी कम हो जाता है। पीटर नीलसन का सहकर्मी ब्रेक पर गया। अब पीटर नीलसन पूरे ज्यूरिख एरिया एयर स्पेस के लिए जिम्मेवार था। उसने एक रडार को इस सेक्टर से पास करने वाले ट्रैफिक के लिए सेट किया, दूसरे रडार को नजदीकी फ्रिडरिकशाफेन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले विमानों के लिए सेट किया। लेकिन 11 बजे रात के बाद इस एयरपोर्ट पर कोई शेड्यूल्ड लैंडिंग नहीं थी। नीलसन ने अपने को पासिंग ट्रैफिक पर केंद्रित कर लिया। 11:06 PM बैस्कोरियन चार्टर्ड विमान सारे यात्री आराम कर रहे थे या सो रहे। ऑस्ट्रिया के एयर स्पेस 36,000 फीट की ऊंचाई पर क्रू शेड्यूल्ड के अनुसार अगले 2 घंटों में इस विमान को बार्सिलोना पहुंचना था। इसी समय 600 किलोमीटर दूर इटली के बर्गमो एयरपोर्ट से DHL की बोइंग 757 ने उड़ान भरी। निर्धारित मंजिल ब्रसेल्स। इस विमान में केवल कप्तान और उप कप्तान दो व्यक्ति सवार थे। मेंटेनेंस इंजीनियर नीलसन के कंट्रोल रूम में पहुंचे। उन्हें मेन रडार की सर्विस करनी थी। PM DHL कार्गो प्लेन संख्या DHX-611 ने नीलसन के कंट्रोल वाले एयर स्पेस में प्रवेश किया। कप्तान ने 36,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की इजाजत मांगी। ऊंचाई बढ़ाने की इजाजत देने से पहले नीलसन को ट्रैफिक रेगुलेट करना था। अब मेंटेनेंस इंजीनियर्स को टेलीफोन सिस्टम पर काम करना था। 11:25 PM पर एक असंभावित विमान फ्रिडरिकशाफेन एयरपोर्ट पर पहुंच रहा था। इसे अटेंड करने के लिए नीलसन को रडार स्टेशंस में अदला बदली करनी पड़ी। विलंबित एयरबस उड़ान संख्या AEF-1135 एयरपोर्ट पर लैंड करने को नजदीक आ रही थी। नीलसन ने एयरपोर्ट कंट्रोल टावर को इसकी जानकारी देने के लिए फोन कॉल किया, मगर फोन कनेक्ट नहीं हो सका। अभी भी एयरबस को लैंड होने में 10 मिनट बचे थे। वह वापस पासिंग ट्रैफिक रडार पर आया। उसने DHL कार्गो प्लेन को 36,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की इजाजत दी।
नीलसन वापस एयरपोर्ट रडार पर आया और फिर से कंट्रोल टावर से संपर्क करना चाहा, मगर कनेक्ट नहीं हो सका। इसी समय वेस्पोरियन चार्टर्ड ने नीलसन के सेक्टर में प्रवेश किया। नीलसन ने वेस्पोरियन चार्टर्ड के पहचान की पुष्टि की। इसी बीच एयरबस ने फिर से नीलसन से कांटेक्ट किया। नीलसन ने तीसरी बार फ्रेडरिक्शाफेन टावर से संपर्क करना चाहा, पर कोई फायदा नहीं। उसने एयरबस के कप्तान से कहा कि वह स्वयं एयरपोर्ट कंट्रोल टावर से संपर्क करे। DHL प्लेन अब स्विट्जरलैंड के ऊपर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। एकाएक हवाई जहाज में लगी टक्कर रोधी प्रणाली TCAS का चेतावनी अलार्म बज उठा। ठीक इसी समय वेस्कोरियन एयरलाइंस के विमान में लगे TCAS ने भी चेतावनी देनी शुरू कर दी। दोनों विमान एक दूसरे से 25 किलोमीटर दूर थे। दोनों एक ही ऊंचाई पर एक ही निर्धारित जगह पर एक दूसरे को क्रॉस करने वाले थे। पीटर नीलसन के क्रॉसिंग रडार पर नजर पड़ते ही उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक आकस्मिक मुसीबत है। उसने तुरंत रशियन पायलट को जहाज को 1,000 फीट नीचे उतारने का आदेश दिया। अगले कुछ सेकंड में ही जहाज में लगे TCAS ने इसके उलट जहाज को ऊपर ले जाने को कहा। इसी समय TCAS में लगे TCAS सिस्टम ने उसे नीचे उतरने को कहा। वेस्कोरियन क्रू दुविधा में था कि किस कमांड को माना जाए। नीलसन ने अपने आदेश को दोहराया। नीलसन ने जब देखा कि वेस्कोरियन विमान की ऊंचाई घट रही है, तो उसने DHL विमान की दिशा को बताया कि वह उसके दाहिने तरफ से आ रही है। नीलसन फिर से राडार नंबर 2 पर एयरबस को अटेंड करने चला गया। वेस्कोरियन क्रू अपने दाहिने तरफ से आते DHL को देखने लगा। दोनों विमान इस वक्त एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर थे और एक ही ऊंचाई पर 35,000 फुट पर पहुंचने वाले थे। PM पर आखिरकार एयरबस ने फ्रेडरिक्शाफेन एयरपोर्ट से संपर्क किया और लैंड कर गया। अब नीलसन पासिंग रडार पर केंद्रित हो सकता था। BTC 2937.
जर्मनी में ओबरलिंग के पास आसमान से जलता हुआ मलबा गिरने लगा। दिन होते ही पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। फायर फाइटर्स मलबे में लगी आग बुझाने लगे। बचाव कर्मियों ने विमान से शव निकालने का हृदय विदारक काम शुरू कर दिया। अगले दिन से दुर्घटना के शिकार लोगों के रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंचने लगे। दोनों विमान पर सवार 71 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। जर्मनी के इतिहास की यह सबसे बड़ी नागरिक विमान दुर्घटना थी। सुरक्षा के एक से अधिक आधुनिक उपायों से लैस विमानन उद्योग में ऐसी दुर्घटना कैसे हो सकती थी? दुर्घटना से पहले घटने वाली घटनाओं की कड़ियों को जोड़कर इस दुर्घटना के तह में पहुंचा जा सकता है। जर्मनी की विमान दुर्घटना की जांच करने वाली संस्था FBU को दुर्घटना के जांच की जिम्मेदारी दी गई। उसके जांचकर्ता घटनास्थल पर पहुंच गए। अभी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था। जांचकर्ताओं ने विमान के टुकड़ों से जांच की शुरुआत की। दोनों विमान के टुकड़ों में आपस में टक्कर होने के काफी सबूत थे। इसी बीच दोनों विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए। जांचकर्ताओं ने टक्कर रोधी उपकरण TCAS की रिकॉर्डिंग से ब्लैक बॉक्स के जांच की शुरुआत की। TCAS किसी भी विमान की ऊंचाई, गति और आगे बढ़ने की दिशा को जोड़कर विमान के चारों ओर एक त्रिआयामी नक्शा बनाता है। सारे विमान जिनमें यह प्रणाली लगी होती है वह एक दूसरे को यह सूचना देते रहते हैं। अगर विमान एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं तो TCAS पायलट को चेतावनी देता है। अगर दोनों विमान एक ही ऊंचाई पर हों तो दोनों विमान को ऊपर और नीचे जाने के अलग अलग सलाह देता है। ब्लैक बॉक्स की जांच से पता चला कि इस सिस्टम ने बखूबी काम किया। अगर दोनों विमानों ने इसके निर्देशों का पालन किया होता तो टक्कर होने की कोई घटना नहीं होती। DHL के पायलट ने क्यों TCAS के निर्देशों का पालन किया मगर बैस कुरियन क्रू ने नहीं किया? मगर रिकॉर्डिंग से एक आश्चर्यजनक सच का पता चला। लगभग एक ही समय पर वास्कोरियन पायलट को एक साथ दो चीजें करने को कही जा रही थी। नीलसन नीचे आने और TCAS ऊपर जाने को कह रहे थे। इन दोनों विरोधाभासों का एक सीधा हल था। दोनों विमान जर्मनी के ऊपर उड़ रहे थे और यूरोपीय निर्देश साफ साफ कहते थे कि TCAS को ATC के ऊपर वरीयता देनी होगी, यानी कि TCAS के निर्देशों को मानना चाहिए। 2001 में TCAS को पूरी दुनिया में अनिवार्य कर दिया गया, मगर जांचकर्ताओं को एक अपवाद का पता चला, वो था रसिया। क्या ऐसा हो सकता था कि रशियन क्रू TCAS का इस्तेमाल करना नहीं जानता था? जांचकर्ताओं ने उन्हें कंफर्म किया कि हालांकि रसिया के डोमेस्टिक फ्लाइट में TCAS अनिवार्य नहीं था, पर सारे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों वाले विमान में TCAS सिस्टम लगे हुए थे। BTC-2937 के पायलट को अंतरराष्ट्रीय उड़ान का काफी अनुभव था, इसलिए उन्हें TCAS सिस्टम की पूरी जानकारी थी। वेस्ट कोरियन चार्टर एक रशियन टुपोलो विमान था। इसके फ्लाइट मैनुअल, जो कि पायलट के लिए बाइबल समान होती है, इसके निर्देशों से पता चला कि पायलट ने क्यों TCAS को वरीयता नहीं दी। यूरोपीय सिस्टम से उलट रशियन सिस्टम में
टीकैस को मानने की बाध्यता नहीं थी, बल्कि यह पायलट पर छोड़ दिया गया कि वह किसकी जरूरत समझता था। वे रशियन स्टाइल में टीकैस का अनुसरण कर रहे थे। जांचकर्ताओं ने पता लगा लिया क्यों दोनों विमान नीचे उतर रहे थे। जहां डीएचएल विमान टीकैस का अनुसरण कर रहा था, वहां रशियन पायलट एटीसी के निर्देशों पर चल रहे थे। मगर इससे एक साधारण जवाब नहीं मिला। टीकैस टक्कर रोकने का आखिरी उपाय नहीं था। विमानों को इतना नज़दीक आना ही नहीं चाहिए था, बल्कि काफ़ी पहले ही चेतावनी मिलने पर इसका निदान करना चाहिए था। कंट्रोलर को दो विमानों को आपस में क्रॉस करने से 2 मिनट पहले ही ऊंचाई बदलने को कहना चाहिए था, लेकिन पीटर नीलसन ने रशियन क्रू को केवल 43 सेकंड पहले नीचे उतरने को कहा। जांचकर्ताओं को पता चला उस समय नीलसन अकेला ऑन ड्यूटी कंट्रोलर था। कंट्रोल टावर की ऑफिशियल पॉलिसी के अनुसार किसी भी समय 2 कंट्रोलर की उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नाइट शिफ्ट में ब्रेक के दौरान 1 कंट्रोलर से काम चलाने को सामान्य तरीका मान लिया गया था। PM से 6 AM तक एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की लैंडिंग शेड्यूल्ड नहीं थी। लेकिन 1 जुलाई 2002 को नीलसन को 11:25 PM पर एक अप्रत्याशित विमान लैंडिंग से सामना हुआ। निर्देशों के अनुसार विमान को एयरपोर्ट पर उतारने से पहले एयरपोर्ट कंट्रोल से कांटेक्ट करना था। यह एक रूटीन प्रक्रिया थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगा लिया कि मेंटेनेंस वर्क के कारण नीलसन का टेलीफोन सिस्टम बैकअप मोड में था। तब भी कंट्रोलर की बात एयरपोर्ट से केवल बटन के पुश करने से होनी चाहिए थी। नीलसन ने फ्रिडिश शाफेन से बात करने की 3 बार लगातार कोशिश की। एक साधारण रूटीन कार्य ने उसका काफी समय जाया कर दिया। एयरबस को एयरपोर्ट पर उतारने के मानसिक दबाव में नीलसन ने पासिंग ट्रैफिक को नज़रअंदाज कर दिया, मगर उसके रडार में एक इमरजेंसी फंक्शन था जिसे विमानों के नज़दीक आने पर अलार्म करना चाहिए था, शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट अलर्ट या STCA। विमानों के ज़्यादा नज़दीक आने से 2 मिनट पहले नीलसन के दोनों रडार पर इसे फ्लैश करना चाहिए था ऑडियो वार्निंग के साथ। 180 किलोमीटर दूर कार्लसरो जर्मनी के रडार पर ठीक 2 मिनट पहले इस सिस्टम ने काम किया। रिकॉर्ड बताते हैं कि कार्लसरो कंट्रोलर ने नीलसन को चेतावनी देने के लिए टेलीफोन से कांटेक्ट करना चाहा, मगर ज्यूरिख कंट्रोल के खराब फोन सिस्टम के कारण संपर्क नहीं हो पाया। विमानन के नियम कहते थे कि वह अपने सेक्टर के बाहर के विमान से संपर्क नहीं कर सकता था। कार्लसरो कंट्रोलर ने इस प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हुए नीलसन को 11 बार टेलीफोन से कांटेक्ट करना चाहा, मगर सफल नहीं हुआ। रिकॉर्ड बताते हैं नीलसन के रडार में STA सिस्टम ने काम नहीं किया, क्योंकि मेंटेनेंस के कारण रडार सिस्टम भी बैकअप मोड में था। बैकअप मोड में STCA काम ही नहीं करता था। अब पहले की आखिरी कड़ी यह थी कि नीलसन ने रशियन प्लेन को नीचे उतरने को टक्कर के 43 सेकंड बचने से पहले ही क्यों कहीं। अगर नीलसन ने टक्कर से 2 मिनट पहले STCA अलार्म सुन लिया होता, तो टीकैस से पहले ही कंट्रोलर के आदेश से विमान अपनी ऊंचाई बदल लेते, कोई विरोधाभास नहीं होता, टक्कर टल जाती। अब एक आखिरी पहेली। टक्कर से 90 सेकंड पहले नीलसन ने बेस्कोरियन पायलट से कहा, DHL प्लेन उसके दाहिने तरफ से आ रही है। जबकि वास्तविकता में यह बाएं तरफ से आ रही थी।
इस बात का केवल एक ही जवाब था, तनाव। शायद इसकी वजह से नीलसन ने गलत दिशा बताई। लेकिन यह भी सच है कि नजर आने पर भी किसी भी यांत्रिक तरीके से टक्कर टाली नहीं जा सकती थी। लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि आखिरी क्षणों में दोनों विमानों ने पूरी कोशिश की। मैस्कुरियन विमान डीएचएल के टेल से टकराकर चार टुकड़ों में बट गया। बिना टेलफिन के डीएचएल कार्गो विमान पूरी तरह घूमते हुए जमीन पर गिर गया। फरवरी 2004 को इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। जांच रिपोर्ट के अनुसार कई सुधार किए गए। कंट्रोल रूम में नाइट शिफ्ट में दो आदमियों की ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई। टी कैस की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया। बैकअप मोड में भी एसटीसीए अलार्म सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया।